वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पर्वों और त्योहारों नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारहफात, दीपावली को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए। सीएम आगामी त्योहार को लेकर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही साथ प्रदेश कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय करे। कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाए। हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, नवरात्रि का आज पहला दिन है और नवरात्रि के बाद से ही लगातार अब त्योहार पड़ने वाला है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी किया है सीएम ने। किन किन बिंदुओं को लेकर आज की बैठक रही अधिकारियों के साथ? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे त्योहारों को लेकर या फिर जहां पर भी मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम हो, वहां की कानून व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सख्त नजर आते हैं और उनका अधिकारियों को भी ये सख्त निर्देश होता है कि ऐसे त्योहारों पर कहीं पर भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो। अब जिस तरीके से देखिए, आज से नवरात्र शुरू है और इसके बाद लगातार आगे आने वाले समय में त्यौहार हैं, वो चाहे दशहरा हो, वो चाहे दीपावली हो, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जिसमें जो जनता होती है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप लोगों को फुट पेट्रोलिंग बढ़ाना है और जगह जगह ऐसे ऐसे जो चप्पे हैं जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वो चाहे नवरात्र से जुड़े हों, वो चाहे तमाम ऐसे आयोजनों से जुड़े हों, वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहाँ पर लगाई जानी है, किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो। पूजा स्थल वहाँ पर बनाए जाएं जिससे आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था उत्पन्न ना हो। और उसी के साथ ये भी कहा है कि आप लोग अगर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखिए कि कहीं पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे आने वाले समय में त्यौहार को लेकर कोई ऐसी दिक्कत पैदा हो। अधिकारियों को सख्त तौर पर निर्देशित किया है कि अगर कहीं पर भी लापरवाही मिलती है, किसी भी अधिकारी की लापरवाही मिलती है, तो उसको तत्काल निलंबित किया जाएगा। डीएम के लिए भी निर्देश दिए हैं कि आपको भी लोगों के बीच में जाना होगा, समझना होगा कि आने वाले समय में त्यौहार के पहले की जो रूपरेखा है वो किस तरीके से काम कर रही है। आप लोग एक अपनी पूरी योजना बनाइए, टीमें बनाइए, वो टीमें जो हैं वो लोगों तक के बीच में पहुंचे और किस तरीके से उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पे जो एक बैठक हुई है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो भी देखिए आयोजन होते हैं वो भक्ति भाव के होते हैं और अगर इसमें किसी भी तरीके का खलल या फिर अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसके चलते जो चाहे वो। बिल्कुल संदीप, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता विकास शाही जुड़े हैं। विकास, मंदिर में भी लोग पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते, कपड़ी अवैध, अलग ही मान्यता है गोरक्षपीठ की, तो किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है वहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए? जी आपको बता दें, मंदिर की जो सुरक्षा है, क्योंकि मंदिर एक मंदिर के साथ साथ सीएम योगी का घर भी है, तो सुरक्षा बहुत ही चप्पे चप्पे फोर्स तैनात है, एटीएस के जवान हैं और भी जवान, तो साथ साथ लेकिन जब भी कोई पर्व या त्यौहार होता है उसकी सुरक्षा और महत्व और बढ़ जाता है। इसके तहत आज मंदिर में पहले दिन जो है वो शक्ति मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उसमें भक्तजन सुबह से ही माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी हो, ड्रोन हो और जो एटीएस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं और स्थानीय पुलिस है, वो लगातार वहाँ मुस्तैद है, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि मंदिर के साथ साथ वो सीएम योगी आदित्यनाथ का घर भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।